जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 1.6 और इसके फर्स्ट टू पार्ट्स हमने कर लिए। अब मेरे पास है थर्ड पार्ट, तो जबकि थर्ड पार्ट को भी हमने दोनों जो मेथड्स हैं उन्हीं के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट मेरे पास मेथड है क्रैमर रूल का और सेकंड मेथड है इनवर्स का, तो हमने इसको अब सॉल्व करना है। और जबकि थर्ड पार्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, थर्ड पार्ट इक्वेशन दी हुई है जी, 4x plus 2y is equal to 8 और सेकंड पे है जी 3x minus y and is equal to -1। ये मेरे पास एक सिस्टम है, हमने क्रैमर के थ्रू इसको सॉल्व करने हैं, जबकि इसके पास सबसे पहले एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैट्रिक्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, x का जो 4 है सेम एज इट इज, y के साथ जो 2 है सेम, x के साथ 3 है सेम, y के साथ -1 है क्योंकि जहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होगा उसका वो -1 होगा। ये हमने कहाँ से लिए नंबर, x और y से लिए, तो ये सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे और इज इक्वल टू लिखा और 8 और 1 को मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। अभी हम इसको कर रहे हैं जी क्रैमर के थ्रू। क्रैमर जो रूल है मेरे पास वो क्या फार्मूलाज रखते हैं, x जब हमने फाइंड करना होगा तो x को फाइंड आउट करने का फार्मूला है ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, और y को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है ay का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। ये हमने फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a का डिटरमिनेंट मेरे पास a है, a किसके इक्वल है 4, 2, 3, -1 और इसका डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हम कैसे लेते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, माइनस फार्मूले का होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो -4 और -6 माइनस का 10 होगा। नाउ a का डिटरमिनेंट का जो आंसर मेरे पास आया है वो माइनस का 10 आया, -4 और -6 इज इक्वल टू माइनस का 10। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल ax का डिटरमिनेंट, और ax का डिटरमिनेंट हमने कैसे सीखा हुआ है कि फर्स्ट खत्म होगा 4 और 3, a है तो यही a है मेरे पास, इसको खत्म करके हम लिख लेंगे 8 और -1, ये देखिए 8 और -1 लिख लिया और सेकंड सेम एज इट इज ही रहेगा और इसका डिटरमिनेंट आना है 8 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस का 8 माइनस फॉर्मूले का आना है, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो -8 + 2 इज इक्वल टू -6। तो ए एक्स का जो डिटरमिनेंट है हमने वो फाइंड आउट कर लिया जी माइनस का 6। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे ए वाई का डिटरमिनेंट। नाउ ए वाई का जो डिटरमिनेंट है ए वाई, अब वाई कर रहे हैं फाइंड आउट हम, तो पहला हमने पहले खत्म किया था, अब फर्स्ट कॉलम सेम एज इट इज रहेगा, सेकंड खत्म करके आना है जी 8 और माइनस का 1, ये मेरे पास डिटरमिनेंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए वाई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर लेते 4 × -1, माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले का 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 24, तो -4 और -24 इज इक्वल टू -28, तो ये मेरे पास ए वाई का भी आंसर है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें और इसमें पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, तो ए एक्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है -6 के इक्वल है और ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल है -10 के इक्वल है, तो माइनस से माइनस हुआ कट, बाकी हम इसको सॉल्व कर लेते 2 पर, तो क्या आंसर उसने दिया 3/5, यानी x का आंसर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 3/5 है। अब हम y फाइंड आउट कर लेंगे, तो a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, तो a y का डिटरमिनेंट हमने क्या फाइंड आउट किया है माइनस का 28 और a डिटरमिनेंट मेरे पास आंसर है जी माइनस का 10, तो ये इससे क्या हो गया कट हो गया। अब हम इसको 2 पे कट कर लेंगे 2 × 5 = 10, तो मेरे पास आंसर उसने क्या दिया जी 14/5। तो हम कह सकते हैं कि x is equal to 3/5 और y is equal to 14/5, तो ये मेरे पास x और y को x और y का आंसर है जो हमने सॉल्व किया क्रैमर के थ्रू। अब इसी ही पार्ट को हमने जो उसने सेकंड भी कहा हुआ है वो क्या कहा हुआ है, हमने इसको फाइंड आउट करने हैं इनवर्स वाले मेथड से। तो इनवर्स का मेथड मेरे पास क्या होगा, यहां तक तो सेम एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट को लेट कर लेंगे a के, इसको लेट कर लेंगे कैपिटल x के और इज इक्वल टू सेम, और इसको हम लेट कर लेंगे b के। हमने इनवर्स वाले मेथड यूज करने हैं, तो जब x के यानी हमने x का आंसर लाना है स्मॉल x और y का आंसर लाना है, जबकि स्मॉल x और y को हमने लेट कर दे कैपिटल x के, जब x को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, जब डिवाइड को ऊपर लेके जाएंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा।
और मैं आपको पहले ही बता चुका अगर x के वो लेफ्ट पे है तो b के भी वो लेफ्ट पे ही रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हम इसको बना लेते हैं a का नाम। सबसे पहले a, हमें b गिवन है, ये a इनवर्स गिवन है नहीं है, तो हम सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट। तो a का डिटरमिनेंट तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, माइनस का 10 है। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a हम फाइंड कर लेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट a करना है हमने a का, तो ये मेरे पास a है तो जॉइंट करें क्या करेगा, यानी कि जगह चेंज करेगा, माइनस 1 आ जाएगा और 2 की जगह पे प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 3 की जगह पे माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 1 की जगह पे 4 ने लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ a को सोल्व करने का मेथड। एडजॉइंट ऑफ a भी आ चुके हैं, a का डिटरमिनेंट भी आ चुके हैं, अब हम क्या कर लेंगे a में पुट कर लेंगे। नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a हमने फाइंड किया -1 -2 -3 और 4 और a का डिटरमिनेंट मेरे पास है -10। अब हम क्या करेंगे, -10 को हर नंबर पे डिवाइड नहीं कर रहे बल्कि सबसे पहले मैं कर रहा हूं इसको b से मल्टीप्लाई। नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b जो हमें असल में आंसर चाहिए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, a इनवर्स इज इक्वल टू -1 -2 -3 और 4, ये a का इनवर्स है और b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि b मेरे पास 8 और -1 और a इनवर्स में -10 डिवाइड भी हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे -1 मल्टीप्लाई बाई 8 -8 -4 प्लस फॉर्मूले का आना है लेकिन -1 फिर भी प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 मल्टीप्लाई 8 तो माइनस का 24 प्लस फॉर्मूले का आना है लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -4 और 10 सेम एज डीजी रहेगा। नाउ इज इक्वल टू -8 और +2 माइनस का 6 आएगा, माइनस का 24 और माइनस का 4 माइनस का 6 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 28 आएगा और हम इसको 10 पर डिवाइड कर लेंगे। अब हम हर नंबर को 10 पे डिवाइड कर रहे हैं, -6 को भी 10 पे डिवाइड कर लिया, -28 को भी 10 पर डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि आंसर मेरा मैच होता है, -6 को जब इस पर डिवाइड कर तो आंसर ये 2 पे कट होगा तो आंसर ये देगा माइनस का 3/5 और ये कट होगा, हम 2 पे कर लेते हैं क्या आंसर उसने दिया -14/5। इस तरह हमने ये दोनों को प्रूव कर लिया कि क्रैमर रूल में मेरे पास आंसर x का -10 था, ये -10 यहाँ पे लगाना था, डिटरमिनेंट -10 था, -10 हमने यहाँ पे छोटी सी गलती की, ये से कट हो जाएगा, ये से कट हो जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब ये 3/5, ये देखें 3/5 14/5 हम कह सकते हैं कि सेकंड नंबर में भी यानी इनवर्स वाले मेथड में भी x और y दोनों का आंसर सेम आ चुका। तो इस तरह हमने आज पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जबकि क्वेश्चन मेरे पास है जी 3x minus 2y is equal to -6 और 5x minus 2y is equal to -10। ओके 5x minus 2y is equal to -10। तो हमने इसको सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करना है, क्रैमर रूल यूज करने है हमने। तो क्रैमर रूल के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरे पास एक मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मेथड सीखेंगे कि x के साथ जो 3 है सेम y के साथ -2 है, x के साथ 5 है तो 5 स्पेस देंगे, y के साथ -2 है तो -2, ये ब्रैकेट आ चुकी है। अब x और y सेम मैसेज लिखा जाएगा और इज इक्वल टू भी और माइनस का 6 और माइनस का 10 भी सेम मैसेज। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन चुके हैं। अब हमने क्रैमर रूल यूज करना है, तो जबकि क्रैमर रूल में हमने स्मॉल एक्स और वाई को फाइंड आउट करना होता है तो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट और वाई को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। मे बी ए का डिटरमिनेंट जीरो ना आंसर आ जाए, अगर जीरो आंसर आते तो मेरे पास ईजी होगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा आगे। तो हम सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ a मेरे पास क्या है जी 3 -2 5 और -2 का डिटरमिनेंट, सो 3 2 6 हो जाएगा, माइनस का फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6
माइनस फॉर्मूले का जब हम लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, तो ए डिटरमिनेंट का आंसर 4 आता है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको आगे हम पॉसिबल है, हम इसको आगे करेंगे सॉल्व। तो अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट ए एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फर्स्ट को खत्म करके उसकी जगह पे लिख लेते हैं स्टूडेंट माइनस का 6 और माइनस का 10 और सेकंड सेम एज इट इज ही रहते हैं, और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट का सिंबल ही आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाना है, अब माइनस फॉर्मूले का आना, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, तो 12 में से माइनस 20 हम निकालेंगे तो मेरे पास आंसर हो जाएगा माइनस का 8। नाउ ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास माइनस का 8, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं वाई, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हम क्या हम कैसे करेंगे, फर्स्ट को पहले हमने खत्म किया था, फर्स्ट सेम एज इट इज ही रहेगा, और सेकंड की जगह पे हम लिख लेंगे जी माइनस का 6 और माइनस का 10, और इसका डिटर्मिनेंट 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 30, माइनस फॉर्मूले का और चीज माइनस प्लस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30, तो ये आंसर क्या देगा 0, तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है आंसर उसने दिया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे, नाउ x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास आंसर है माइनस का 8, और ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर है 4, तो जब इसको मैं कट आउट करूंगा तो मेरे पास आंसर उसने दिया x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम y को फाइंड आउट करेंगे, जबकि y का आंसर मेरे पास है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फॉर्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट आंसर उसने दिया 0, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर है 4, तो 0 और 4 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास x और y का आंसर है, जबकि मैंने इसको सॉल्व किया है क्रैमर के थ्रू। अब हम इसको कर रहे हैं इनवर्स के मेथड के थ्रू, इनवर्स मेथड है, इन्वर्जन मेथड भी कह सकते हैं, जरबी मकूस भी है, अब मीडियम के जो स्टूडेंट्स है, तो इनवर्स का मेथड क्या होगा, यहाँ तक सेम एज इट इज ही रहेगा कि आपके पास 2 इक्वेशंस, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके पेपर में या क्रैमर रूल आएगा या इनवर्स का मेथड आएगा, बहुत कम चांस होता है कि वो एक ही पार्ट को दोनों मेथड से सोल्व करने के लिए कहा आपको कहे, तो एक ही मेथड आना है, तो यहाँ तक सेम एज इट इज रहेगा, फर्स्ट को हम लेट कर लेंगे ए के, एक्स और वाई को कैपिटल एक्स के, और इज इक्वल टू इसको बी के। अब इनवर्स का मेथड क्या कहता है कि एक्स के साथ जो ए है उसको आप वहां पे लेके जाएंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा, इसी को ही अब हमने क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लूंगा ए इनवर्स, यानी मैंने बी को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरे पास माल एक्स का भी और वाई का भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है क्योंकि मेरे पास ए इनवर्स नहीं है जबकि बी मेरे पास है, तो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि एडजॉइंट ऑफ बी ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम सबसे पहले निकालेंगे, यानी हम सबसे पहले निकालेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट, लेकिन मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं कर रहा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे करते हैं जी, ये मेरे पास है ए, एडजॉइंट इसकी जगह चेंज हो जाएगी, प्लस 2 की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा, इनकी इनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 5 है तो ये माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 2 की जगह पे किसने ले ली 3 ने, ये आंसर मेरे पास है जॉइंट ऑफ ए का। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास है जी एडजॉइंट ऑफ ए माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 5 और 3, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आंसर हम ला चुके हैं जी 4। अब हम क्या करेंगे, 4 को नंबर पे डिवाइड करेंगे, नहीं हम इसको डिवाइड करेंगे बिकॉज अभी हमने ए इनवर्स फाइंड आउट किया, अभी इसको हमने बी से मल्टीप्लाई करना है, तो जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा कि 4 से मल्टी डिवाइड आप नहीं कर सकते, 4 से डिवाइड आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आगे सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ए इनवर्स मेरे पास है जी, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट आंसर उसने दिया है जी माइनस का 2 2 माइनस का 5 3 और डिवाइड पे 4, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी बी से, एंड बी इज माइनस 6 और माइनस 10 माइनस 6,
माइनस करते हैं। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई कर लीजिए रो को कॉलम के साथ, माइनस माइनस प्लस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज ट्वेल्व, माइनस प्लस फॉर्मूले का आने लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई टेन इज ट्वेंटी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव सिक्स थर्टी हो जाएगा, प्लस फॉर्मूले का लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू थर्टी और डिवाइड पे क्या आ जाएगा फोर। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी इज माइनस एट, थर्टी माइनस थर्टी इज जीरो और फोर क्या आ जाएगा डिवाइड पे। अब माइनस एट को भी हम फोर पर डिवाइड कर लेंगे और जीरो को भी फोर पर डिवाइड कर लेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फोर को एट पे कट करूंगा तो आंसर में माइनस टू देगा, जीरो ओवर फोर नंबर है तो जीरो आंसर। तो ऊपर वाला एक्स होते हैं डिवाइड पे वाई होते हैं, तो कैपिटल एक्स जो आंसर उसने दिया माइनस का टू और जीरो, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और स्मॉल वाई इज इक्वल टू जीरो। इस तरह हमने सेकंड पार्ट इन्वर्स वाले मेथड से ये प्रूव कर लिया कि मेरे पास जो एक्स दोनों का सेम और वाई दोनों का सेम है। अब अगर हम चेक कर लें पार्ट नंबर फाइव, तो पार्ट नंबर फाइव जो मेरे पास है बिल्कुल ईजी है पार्ट नंबर फाइव, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट नंबर फाइव में है थ्री एक्स माइनस टू वाई, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर और माइनस का सिक्स एक्स प्लस का फोर वाई इज इक्वल टू सेवन जी। अब इसको हम करते हैं ग्रामर रूल के थ्रू या इन्वर्स के मेथड के थ्रू। तो उसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्स के साथ थ्री, y के साथ माइनस टू, एक्स के साथ माइनस सिक्स, वाई के साथ फोर है। ये हमने कहाँ से नंबर्स लिए हैं, x और y के कोफिशियंट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर और सेवन। तो हम करें इसको क्रैमर के थ्रू, तो क्रैमर के थ्रू क्या होगा x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास इनके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि आइए यहां से जीरो ना हो जाए, अगर जीरो नहीं होगा तो आगे सॉल्व होगा, अगर जीरो आता है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे।